और अभी हम ना गलगल निकालने जा रहे हैं। हमने ना मुरब्बा बनाना है आज, तुपड़ी, हमारे बोलते हैं उसको तुपड़ी। गिर गई थी, एक तो गलगल निकालते हैं। दो काफी है ना, है दो काफी है। पत्ता निकालू? अच्छा, इसको ना एक्चुअली रबर प्लांट निकालना है। रबर प्लांट में इसको खाना खाना है आज, किसके पत्ते पर। तो इसको पत्ता निकालती हूँ और मैंने ये निकाल दिए दो गलगल। बड़े ध्यान से देख रही है यार, गलगल थोड़ी ना खाओगी तुम लोग। तो गांव में बड़ा अच्छा माहौल होता है और कितना साफ सुथरा रखा है इधर उधर। हाय गाइज, ये है गाइज, हेलो गाइज, जो हम लोग बोलते हैं ना हेलो गाइज, तो ये है वो गाइज। यहाँ से निकला है वो गाइज शब्द, जो निकला है ना वो यहाँ से निकला है। दे आर डार्लिंग्स, ये हस्बैंड की डार्लिंग्स है। हेलो गाइज, हमारी गाइज और हस्बैंड की डार्लिंग्स। चलो, अच्छा ये पहले ग्वाले थे ना और फिर बाद में बन गए। पढ़िए, पहले कृष्ण भगवान के उसमें थे ये रूप में। अरे मधुमक्खी बैठ रही नाक के ऊपर। अब जा रहे हैं फंक्शन में, पर ये नहीं जा रहे, उन्होंने मना कर दी क्योंकि इनका पेट कर रहा है गुड़ गुड़ गुड़। और हम जा रहे, पर यहाँ सामने धूप है फेस पे। ओके जी, बाय बाय बाय। अम्मा को भी हम जबरदस्ती ले जा रहे क्योंकि अम्मा बोरे में से चला नहीं जाता। मैं, हर्षल, अम्मा जा रहे। ठीक है, क्या अच्छा, ठीक है, बहुत टाइम बाद गांव के फंक्शन में जा रहे हैं आज, बहुत टाइम बाद। और मेरा गला तो बहुत खराब है, बट गांव का फंक्शन बड़े टाइम बाद है तो फिर जाके आते हैं। और इधर से हमारे गांव का व्यू देखो आप, ये है मेरा गांव। माइका, हमारा घर कहाँ जैसे दिख रहा है, दिख नहीं रहा है वो जो दिख रहा है। अच्छा हाँ, वो जो दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, रेलिंग जो दिख रही है घर की। अच्छा, लेख रहे भैया का दूसरा फ्लोर भी स्टार्ट हो गया ना। हाँ, ये इतना बड़ा गांव है, इसे उधर भी है जो घर दिख रहे हैं, उससे उस साइड को भी है काफी घर। तो ये है पूरा गांव मेरा। अम्मा थक गए, अब बैठ गए यहाँ पे। मैं आपको अखरोट का पेड़ दिखाती हूँ कितना बड़ा है। ये देखो, इतना ऊंचा अखरोट का पेड़। तोते भी है, पालतू तो नहीं है, तोता बैठा टहनी में, पीहे भी बोल रहे। और अम्मा गए थक, डंडा ले तेरे चलना आराम से। हर्षल है सुपर एक्साइटेड। और इधर से भी मेरा गांव दिख रहा है, ये देखो सारे जहां से। अच्छा, दाती गांव हमारा हमारा। इधर भी अखरोट के पेड़ है, देखो भी वो क्या जोर लगा रहा। मैंने पुराने टाइप के घर बताती हूँ, पहले ऐसे घर था हमारा भी, यहाँ बता रही हूँ। नसरा अभी मतलब घर बताओ, अभी पुराने तरह घर रेड़े होते पहले। और ठीक है भाभी, ठीक है भाभी। और भाई शिमले ही है, मिले ही नहीं, पहले मिल ली जाओ थे। आ रही, आने लगी अम्मा। बहुत सुंदर घर है, इस साइड को भी है और इधर भी है पुराना घर, ये भी है। ये बड़ा सुंदर लग रहा है पुराना घर, पर बहुत ज़्यादा सुंदर है। मिट्टी से बनते थे ये घर, धज्जी वॉल होती थी ये। लोग जाते हैं ना फंक्शन में तो ऐसे ग्रुप में, सॉरी हर्षल, ऐसे ग्रुप में जाते हैं। तो हम वेट कर रहे थे चाची एंड ऑल भाभी। हाँ, पाइप में फंस गया था पाँव। तो हम ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं और हम बहुत क्लोज हैं, बहुत नज़दीक हैं हम गाँव के अब। तो भाभी, चाचियाँ, ताइयाँ, अम्मा सब लोग जा रहे हैं आगे और मैं हूँ यहाँ पर। और ये है यहाँ का, थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ से होता है गाँव का माहौल स्टार्ट, खेत, खलियान, घर। अब थोड़े पर ये है आरसीसी के मकान बन गए। घर मैंने आपको जो दिखाया अभी मिट्टी का घर, वो बहुत कम मिलेंगे, अब सारे मकान आरसीसी के होंगे। और ये जो आपको दिख रही है ना, लगा के रखी यहाँ पे,
चुन्नी सी, ये होती है जो जंगली जानवर होते हैं वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए लगाते हैं इसको। भगवान जी के दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गए। काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक तो गांव का फंक्शन अटेंड किया और देवता जी के दर्शन भी हो गए, पर पूरा वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई कि किस तरीके से पूजा की जाती है। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से पूरा शेयर करूंगी। तो दो देवता जी आए थे, तो इन अंकल ने मन्नत की थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ टाइम पहले ये बीमार हुए थे तो उन्होंने मन्नत की हुई थी, वो मन्नत इनकी पूरी हुई, वो ठीक हुए और उन्होंने देवता जी को घर पे बुलाया। एक देवता जी तो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरे देवता जी अभी अपनी ही जगह में बैठे हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये दोनों देवता इकट्ठे आते भी नहीं हैं और इकट्ठे जाते भी नहीं हैं, डिस्टेंस में जाएंगे। तो बस वही यहाँ पे हो रहा है, जो उन देवता जी के साथ आए थे लोग वो साथ में जा रहे हैं और जो दूसरे देवता जी बैठे हैं उनके साथ वाले अभी भी अपनी जगह में बैठे हुए हैं। तो सबका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया अंकल के घर पर और खाना बहुत अच्छा लगा खाने के लिए, क्योंकि एक तो प्लेट्स थी वो थी पत्तल, जिसको पत्तों से बनाया जाता है, इन्होंने डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। डिस्पोजेबल प्लेट्स आपके वातावरण के लिए बहुत ही ख़राब होती है, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था जो पत्तल में खाना खिलाया और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। ठीक है, अच्छा नानू आम आप पीछे पीछे लुक क्या करो, ये तुझसे ना ना फोटो नहीं और वीडियो लेके बना, तुझसे आंदे रहो। मैं अम्मा को बोल रही हूँ मैं आपका वीडियो बना रही हूँ। और हम आ गए फंक्शन से वापस और खाना भी पैक होके आ गया है, ये देखो घर के लिए खाना भी पैक हो गया है। और आमा पिताजी हर्षल हम अब सब लोग चले गए, हम लोग ही रह गए पीछे। हमारी ये रिवाज होती है जब भी फंक्शन होता है तो सबको खाना ऐसे पैक होके जाता है, तो हमारे लिए भी पैक होके आ गया शाम का खाना भी। हमारे से आगे आंटी चले, उनके तो बहुत बड़े बड़े टिफिन है, पर हम लोगों का ये वाला खाना है जो खाने के बाद भी पैक होके हम घर लेके जाते हैं और शाम को भी खाना पैक होके आता है। ये होती है गाँव की रिवाजें जो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि खाना पैक होके मिलता है हम लोगों को शाम का भी। और पिताजी को आ गया भाई का फोन, भाई अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है, तो अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अब हमारा वेट हो रहा है यहाँ पे, रेस्ट कर रही है भाभियाँ चाचियाँ अम्मा। क्या मैजर करो बे, मैजर करो बे। आम आखिर फर्क पड़ता ना ना। और अब हम निकले हैं दूसरी जगह घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।